गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। यस बच्चों, इन इंग्लिश टुडे आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। यस टुडे आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। वी वर डूइंग अर्न अर्न वर्ड्स। हम क्या कर रहे थे? वी हैव स्टार्टेड यू वोवल्स। सो इन यू वोवल्स फर्स्टली आना अन वर्ड्स वी वर डूइंग। सो टुडे आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। आना अन वर्ड्स की आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। तो बच्चों, आना अन वर्ड्स की स्टोरी आप ध्यान से सुनेगा और उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं आपको वो लर्न होने चाहिए और आपको उनकी स्पेलिंग्स आनी चाहिए विद मीनिंग। तो एक बार एक बीच पे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? फन कर रहे थे। फन करते ना, प्ले विद फन। सो वो कर रहे थे और वहीं पर एक बच्चा बन का बर्गर खा रहा था। बन का बर्गर खा रहा था और वहीं बीच पर तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पर और कौन था? वहां पर एक नन थी। नन जो क्या कर रही थी? प्रे कर रही थी। किसकी प्रे कर रही थी नन? देखें, नन जो है स आना सन की प्रे कर रही थी। मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ना, तो मैं ऑलवेज सन को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। तो क्योंकि सन में भी गॉड होते हैं, तो वो क्या कर रही थी? नन सन की प्रे कर रही थी। तभी क्या हुआ, वहां पर एक लैड जो है ग अन गन लेकर आ गया और उसके पीछे पीछे कौन आ रहा था रन करता हुआ? कॉप। और नन ने देखा, वो बच्चे भी डर गए जो फन कर रहे थे, नन भी डर गई। तो लेकिन उस कॉप ने रन करते हुए उसको पकड़ लिया, पीछे से क्या कर लिया? नैप कर लिया। क्या कर लिया? नैप। सो बच्चों, आपको अब अपनी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें आपको इस स्टोरी का वर्क करना है। सो फर्स्टली अन अनवर्ड्स हम कर रहे हैं। ये हमारी एंडिंग साउंड है राइम वर्ड्स की। ब अन बन लिखना है, फ अन फन लिखना है, ग अन गन लिखना है, न अन नन लिखना है, र अन रन राइट करना है, स अन सन। ठीक है बच्चों? सो आप ये वर्क करिए, नीट एंड क्लीन आपको वर्क होना चाहिए। और बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।